ये कॉफी किसके लिए लेके जा रही हो? ये सुहेल भाई के लिए। वो घर पर नहीं है, ये किचन में रख दो। और हाँ, किसी को भेजो सुहेल के कमरे में सफाई करते जरा। जी ठीक है। इतनी सुबह कहाँ चले गए भाई? वो सुहेल की माइयों वाले दिन उसके जिस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने गया। तो क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए पूरी रात लगती है क्या? हाजरा को अपनी अम्मी के घर रहना था रात, तो अकेला वापस आकर क्या करता, रह गया दोस्त के पास। तुम ज्यादा उसके लिए पुलिस ना बनो। अच्छा ना अम्मी, क्या हो गया, बस भी करते हैं, कब तक नाराज रहेंगे आप? जब तक तुम अपनी मनमानी करना बंद नहीं करोगे। कम ऑन मॉम, ये सब कुछ मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। ओ रियली, रहने दो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? मेरे लिए कर रहे हो सब कुछ। अच्छा तो फिर किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी अना के लिए कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो? तो यानी आपकी नजर में मेरी अना की कोई अहमियत नहीं है? तुम्हें अपनी अहमियत मालूम है ना, तभी इतनी मनमानी करते हो। अच्छा ठीक है, अगर मेरी इतनी अहमियत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। महापारा के उदास होने पर आप अपने बेटे से तो नाराज हो सकती हैं, लेकिन उस पर इल्जाम लगने पर आप अपनी बहू से कुछ क्यों नहीं कहती? डरती हैं उससे, या फिर आपके लिए महापारा सिर्फ मुझसे ज्यादा अहम थी? यहां हूं। मां, महापारा आज कॉलेज नहीं जाएगी? जब वो छोटी बेगम के घर जाती है ना, तो वो घर आना भूल जाती है, तो कॉलेज क्या खाक जाएगी? ये तो बड़ी गलत बात है अम्मा, मैं उसे समझाऊंगा। अगर वो रोज कॉलेज नहीं जाएगी तो अच्छे नंबरों से पास कैसे होगी? सारी बातें तुम मुझसे ही कहना, उसके सामने तो तुम्हारी जबान पे ताले पड़ जाते। कभी तो कल की बात समझा दिया करो उसे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, अब कोई बेवकूफ थोड़ी है जो हर वक्त उसे नसीहतें करता रहूं। कल रात को मैंने तुमसे कहा था कि फोन करके उसे बुलवा लो, उल्टा मेरे ही सामने तुम बहाने करते रहे कि वो एसी में सो रही है। बहाने नहीं कर रहा था अम्मा, बेगम साहिबा अकेली थी, उन्होंने बुलवाया था उसे, तो मैं मना कैसे करता। और ये बात भी ठीक है, यहाँ पंखे चलाकर भी कितनी गर्मी होती है, वहां कम से कम ठंडक में सो तो जाती है। तो बस सोने दो ठंडक में, क्यों वो अपना सुकून बर्बाद करेगी? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं तो बस उसकी शक्ल देखने आया था ताकि मेरी सुबह हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे महापारा उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। महापारा आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? उठ जाओ मेरा बच्चा, 10 बज रहे हैं। 10 बज गए? हाँ तो 10 तो रोज बजते हैं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, मुझे कॉलेज जाना था। क्या बात है, तुम्हें कॉलेज की वैसे तो इतनी परेशानी नहीं होती थी, आज क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा था कॉलेज जल्दी जाना है। किसने किसने कहा था? उन्होंने, अब्बा ने कहा था कि कॉलेज रेगुलर जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे, है ना? हाँ लेकिन तुम्हारी एक बात बहुत बुरी है। वो क्या? अरे भाई हमने तय किया था ना कि तुम आओगी तो हम रात बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम तो आते ही सो गई। मैं सो गई थी कब? अच्छा छोड़े, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे, जैम और ब्रेड खाना। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छूटी, इतनी बड़ी हो गई हो। चलो 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 चलो। और ये क्या, तुम्हारा फोन बंद पड़ा हुआ है? दादी सही डांटती है तुम्हारी। वो रात को अपनी दोस्त से बातें कर रही थी ना, तो चार्जिंग खत्म हो गई। बहुत लापरवाह हो तुम। चलो खैर, चार्ज पर लगाओ इसे और आ जाओ नाश्ते पर, मैं लगवा रही हूँ टेबल।
क्या वाकई में तुम्हारी सास तुमसे इतना प्यार करती है? तुम यहाँ ये पूछने के लिए आई हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो मुझसे इतना प्यार करती है कि दिन में दो बार मेरी नजर उतारती है। सुहेल भाई का बताओ, उनका बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? वो तो मुझे देखकर जीते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या वलीमे के दूसरे दिन कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी सारी शॉपिंग करवाएगा? हाँ, वैसे वलीमे के दूसरे दिन कोई दुल्हन को मैके भी तो नहीं छोड़ता। वो तो मान ही नहीं रहे थे। मैं तो खुद जिद करके रुकी हूँ कि मुझे यहाँ रहना है। हाँ, लेकिन फिर तो सुबह ही उन्हें तुम्हें लेने आ जाना चाहिए था ना। क्यों आंटी? ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे? खानदानी लोग हैं, खानदानी तरीके से लेने आएंगे इसे। क्या मतलब खानदानी तरीके से? ससुराल वाले बहुत कदर करते हैं मेरी बेटी की। देख लेना, पूरी फैमिली लेने आएगी। आप यहाँ रुके, मैं बाजी को बुला के लाती हूँ। तुम यहाँ क्या बातें बनाने बैठ गई हो? जाओ जाकर किचन में देखो, सुहेल की पसंद की डिशेस बनवा। जी बाजी, वो आपके ससुराल से आपको लेने आए हैं। अच्छा, तो उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। जी देखो, मैंने कहा था शाम तक आ जाएं, लेकिन उनसे सबर ही नहीं हुआ, आ गए लेने मुझे। अच्छा, वो राइब भी आया होगा क्या? हो सकता है, वरना मेरी सास तो इतनी चिपकू है कि उनके होते हुए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जरा बेटा चलो, वो लोग बैठे हैं, बुरी बात है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लेने आया हूँ। मुलाजमा ने कहा कि आप बुला रही हैं तो मैं यहाँ आ गया। किसने भेजा है तुम्हें? सोहेल मियाँ का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दुल्हन बीबी को घर से पिक करना है, आप ड्राइवर के साथ चले जाएं, तो मैं यहाँ आ गया। दुल्हन बीबी आप सामान बाहर भिजवा दें, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। देख लिया आपने मॉम? आगे क्या प्लान है? किस बारे में? ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? मैं क्या सोचूं? आप सोचेंगी ना, जो कहेंगी कर लूंगी। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत फर्मा बरदार है, लेकिन एक बात बताओ, पेपर्स क्लियर हो जाएंगे? ट्यूशन लगवा दूं? फोन आ रहा है। दिखाओ किसका। मुझे कहती है कि मैं फोन अपना जानबूझ के बंद रखती हूँ। अभी खुद का फोन साइलेंट मोड पे था, मैंने बता दी ना कॉल मिस हो जानी थी। 6 मिस्ड कॉल्स खालता की, अल्लाह खैर करे। कॉल आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खालदा, कैसी हैं आप? जो कुछ आपके और आपके बेटे ने किया है उसके बाद कैसे होंगे हम लोग? क्या हुआ खालदा, सब खैरियत तो है? आपने हमें समझ क्या रखा है? मेरी बेटी कोई गिरे पड़े खानदान से है जो आप और आपका बेटा हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। अगर आपकी नजर में कुछ नहीं हुआ तो फिर ठीक है, मेरी बेटी मुझे भारी नहीं है जो मैं आपके मुंशी के साथ उसे भेज दूं। देखिए प्लीज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, साफ साफ बात कीजिए। बल्कि रुके, मैं सोहेल को कॉल करती हूँ। कर ले सोहेल से बात आप। मैंने उसे फोन किया था, उसका फोन बंद आ रहा है। अगर मेरी उससे बात होती ना तो मैं उससे यही कहती कि मैंने तुम्हारे मुंशी को वापस भेज दिया है। अजीब खातून, बताना नहीं था तो कॉल क्यों की थी? रहमत का क्या चक्कर है, वो क्यों गया बहू को लेने? क्या बोलने जी,
कुछ नहीं बेटा, तुम नाश्ता करो, मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। हेलो मॉम, कहाँ हो बेटा तुम? मॉम आपको बताया तो था कि अपने दोस्त के साथ हूँ। हाँ लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने हाजरा को लेने के लिए रहमत को क्यों भेजा? क्यों क्या हुआ मॉम, हम सब ड्राइवर के साथ ही तो आते जाते हैं ना, और फिर रहमत चाचा को भी मैंने एहतियातन भेज दिया था। बेटा वो नई दुल्हन है, उसूलन उसे लेने के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था। लेकिन अम्मी जिस काम के लिए ड्राइवर है मुलाजिम है वो काम मैं क्यों करूँ? क्या मैं कोई ड्राइवर हूँ? अपनी बीवी को पिक कर लेने से कोई ड्राइवर नहीं बन जाता। तो ड्राइवर के साथ आने में बीवी की शान में कौन सी कमी आ जाती है? आप भी तो जाती है ना ड्राइवर्स के साथ, और इस वक्त तो मेरी मजबूरी है। बेटा तुम्हारी सास बहुत गुस्से में, मुझे कॉल करती रही। मेरा फोन तो साइलेंट पे था, मुझे तो पता ही नहीं चला। नाराज हो रही थी, कह रही थी कि तुम्हारा फोन भी ऑफ था सारी रात। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, आप परेशान मत हो। आपकी परेशानी का सोच कर ही मैंने एहतियातन रहमत चाचा को भेज दिया था। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आना चाहती तो उसे कुछ दिन वहीं रहने दें। मुझे जब वक्त मिलेगा मैं जाके ले आऊंगा। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है उनका ये मतलब नहीं था। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? वो तुम्हारा दोस्त कैसा है? काफी बेहतर है। कल रात को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गया था, दवाओं का असर अभी बाकी है। चलो ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरा होश ठिकाने आ जाए फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी सुहेल, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ मैं कर रहा हूं ना उसका शुक्र अदा करो, वरना सारी जिंदगी मुझसे माफिया मांगती रहोगी। सुहेल मैं ये शहर छोड़कर कहां जाऊंगी? तुम यहां रहोगी तो मेरा बार बार तुमसे मिलने को दिल चाहेगा। एक सुनना चाहती हूं ना तुम? चलो अपने सामान पैक कर और यहां से दफा हो जाओ। नीचे एयरपोर्ट के अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। टेक केयर। तुम्हें अल्लाह पूछेगा सुहेल, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना अल्लाह इसका इंसाफ लेगा, देखना तुम। अच्छा ठीक है। पांच मिनट में यहां से दफा हो जाओ। मुझे खालदा से इतने सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह आंखें सर पर रखकर मुझसे बात करेंगी। अम्मी आपको बताया, साइकोलॉजिकली एक बात प्रूवन है कि जब आप आउट ऑफ द वे जाकर किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं ना तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन बेटा ये बात तो मुझे खालदा ने कही है ना, हाजरा ने तो नहीं कही। देखिए आप एक काम करें ना, आप सुहेल भाई को सब कुछ बता दें, वो खुद ही सब हैंडल कर लेंगे। नहीं नहीं, वो कहाँ समझता है ये ऊंच नीच, मेरा बच्चा तो बहुत ही मासूम और सादा है। तो फिर ठीक है मॉम, आप उनके इस रवैये की आदत डाल लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाजरा भाभी और उनकी अम्मी जो है ना वो बहुत तेज है। तो रोज रोज ये जंग चलेगी क्या घर में? जंग तो बराबरी के लोगों में लड़ी जाती है मॉम, ताकतवर तो सिर्फ कमजोर पर हमला करता है। रायद मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप। मैं नहीं चाहती कि शादी होते ही घर में इस तरह की घरेलू पॉलिटिक्स शुरू हो जाए
इसीलिए हाजरा की हर बात को नजरअंदाज करती हूँ ताकि मेरा बेटा खुश रहे। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से सुहेल भाई खुश हो जाएंगे? शादीशुदा बेटे को खुश देखने के लिए बहू को खुश रखना जरूरी होता है। और उनकी इस खुशी में आप उनको उनकी बीवी की गलतियां नहीं बताएंगे? हाजरा मेरी पसंद है, सुहेल की नहीं। किस मुंह से शिकायत करूं उससे? अम्मी, अगर आप अपनी पसंद से लेकर आई हैं तो आप क्या उसके ऐप पर पर्दे डालेंगी? राय, हाजरा में कोई ऐब नहीं, बस थोड़ी सी अहमक है वो। अम्मी देखें, ये दुनिया अहमकों के लिए जन्नत है, चाहे वो दूसरों के लिए जहन्नम क्यों ना बनाते। देखें, कल उन्होंने महापारा पर इल्जाम लगाया था, आज सुहेल भाई के बारे में बुराई करके आपको बातें सुनाई हैं, और आपकी मसलियत वाली खामोशी ना ये उन्हें इनकरेज कर रही है ताकि वो मेरे ऊपर या डैड के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दे। यार फजूल में मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली, तुम प्लीज मुझे सारे नोट्स भिजवा देना, मैं कुछ करती हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो, एग्जाम सर पे खड़े हैं, अब तुम्हें नोट्स का ख्याल आ रहा है? क्या करूं? किससे बातें कर रही हो? अपनी फ्रेंड से। ये कौन सी फ्रेंड है जिससे तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं होती? महापारा, क्या हो गया, आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? आज मैं कॉलेज नहीं गई इसलिए मेरी फ्रेंड अस्मा मुझे नोट्स भेज रही है। अच्छा, यानी तुम कॉलेज जाती हो क्लासेस बंक करने के लिए और घर बैठे नोट्स ले रही हो, कमाल है महापारा। इस महीने में मेरे एग्जाम्स हैं इसलिए नोट्स ले रही हूँ, वरना अम्मी जी तो मुझे ट्यूशन लगवाने का कह रही थी। ऐसे यार एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में होती थी तो हमेशा टॉप करती थी, ये कॉलेज आकर क्या हो गया? पहले पढ़ती थी ना, तो अब क्यों नहीं पढ़ती? अब मेरा बुक्स खोलने का दिल नहीं चाहता। क्यों यार, अब तो तुम्हारे पास सारी नई बुक्स हैं, पहले तो तुम मेरी पुरानी बुक्स लेकर पढ़ती थी। तभी तो दिल नहीं चाहता। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे, मुझे घर जाना। महापारा मेरी बात सुनो यार, जिंदगी नॉवेल्स पढ़ के नहीं बनाई जाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपनी एजुकेशन को ना थोड़ा सा सीरियस लिया करो। जिसे मुझे सीरियस लेना था ना, मैंने उसे ले लिया। और ये एजुकेशनल बुक्स खोलने का मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? वो इसलिए दिल नहीं करता क्योंकि तुम दिल से नहीं पढ़ती, तभी तो ट्यूशन्स ले लो। देखो कम से कम तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना। जहां मैंने दिल लगा लिया है ना, बस वहां रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरे लिए यही काफी है। और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। यानी ये बात तय है कि तुम कॉलेज जाओगी लेकिन पढ़ोगी नहीं? क्यों नहीं पढ़ूंगी? आपने कह दिया ना, अब आप देखिएगा मैं रेगुलर कॉलेज भी जाऊंगी और दिल लगा के पढ़ भी लूंगी। मैंने कह दिया मतलब? मुझे दादी के पास जाना है, उनके लिए चाय बनानी है। सुनो, मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकती। शादी से पहले मुझे नहीं मालूम था कि आपका बेटा इतना लापरवाह होगा, अपनी बीवी को बाहर से ही छोड़कर चला जाएगा और फोन भी बंद कर देगा और कोई रابطہ भी नहीं रखेगा उससे। उसे तो अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो वो, आपने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। आप लोगों की इस हरकत ने मुझे बहुत मायूस किया है। अच्छा फिर अब क्या करें? क्या करें क्या, सुहेल को बुलाएं और उससे कहें कि अपनी हरकत की वजाहत दे, वरना मैं हाजरा को आपके साथ भेजूंगी नहीं। कौन सी हरकत? सुहेल का फोन सारी रात ऑन था, अगर ऑन ना होता तो वो मुझे कैसे बताता कि वो हाजरा को उसकी मर्जी के साथ बल्कि उसकी जिद की वजह से आपके घर रात रहने के लिए छोड़कर आया है। जी नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं थी। और रही बात फिक्रमंद होने की, तो क्या हाजरा को उसकी माँ के घर छोड़ते वक्त मुझे या मेरे बेटे को फिक्रमंद होने की जरूरत है क्या? जी अगर ऐसी बात है तो हाजरा को कभी मैके आना ही नहीं चाहिए। और रात को मेरा फोन साइलेंट मोड पर रहता है, तो
तो प्लीज अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो तो लैंडलाइन पर किया करें, कोई ना कोई मुलाजिम फोन रिसीव कर लेगा। लेकिन मॉम, मैंने तो सोहेल से कोई रुकने की जिद नहीं की थी, इनफैक्ट इस मौजू पे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। मगर सोहेल ने तो मुझे बताया है कि वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, और सोहेल झूठ नहीं बोलता। तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि हाजरा झूठ बोल रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ऐसा लगता है जैसे आपने जल्दबाजी में शादी करके बेटी का बोझ सर से उतारा है। मुझे लगता है ये अभी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थी, लेकिन खैर जाने दें। क्या मतलब मैच्योर नहीं है, बोझ उतारा है? आप मेरी तरबियत पे उंगली उठा रही हैं? देखिए, मैं बेटी समझकर कह रही हूँ, अगर आज ये महापारा या घर के किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने शौहर पर तवज्जो देती तो मैं के ना बैठी होती। क्या महके में बैठने से आपकी क्या मुराद है? तब आपके सामने ही तो कहा इसने कि सुहेल इसकी मर्जी के खिलाफ इसे यहाँ छोड़ गया है। ये आपसे कह तो रही है कि सुहेल ने इसे नहीं बताया कि वो अंदर नहीं आएगा। वही तो कह रही हूँ, जितने शौक से ये नौकरों के दरमियान बैठ कर डिस्कशन करती और घर वालों की बातें हमारे दरमियान बैठ कर सुनने के बजाय छुप छुप कर सुनती, अगर इतना इंटरेस्ट इसने शोहर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर लगाया होता ना, तो आज यहाँ मैके बैठकर इसे शोहर की बुराइयाँ ना गिनवानी पड़ती। अरे ये बुराइयाँ तो नहीं गिनवा रही है, बल्कि ये तो ये कह रही है कि देखिए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन अगर आप सुहेल के बगैर इसे भेजना नहीं चाहती तो अच्छी बात। पता क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का कि मेरे कहने पर तुम कॉलेज जाओगी, पढ़ोगी, क्यों? दादी कहती हैं अच्छी लड़कियां जवाब नहीं देती। तो फिर अपनी दादी के लिए अच्छी लगती रहो, मुझे जवाब चाहिए। क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे? हाँ आपको। देखो, जब जवाब नहीं बन पा रहा ना तो फिर बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हाँ, ड्रामेबाज। जवाब तो हजार है मेरे पास, लेकिन आप वो सवाल ही नहीं करते। कौन सा सवाल? वही जिसके हजार जवाब सोच रखे हैं मैंने। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सुहेल भैया। सुहेल भाई, अरे सुहेल भाई बात तो सुने। बल्कि मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप इसे महीना दो महीना अपने घर में रखें, इसकी तरबियत करें और जरा मैच्योरिटी आ जाए तो घर भिजवा दीजिएगा। मैंने जितनी इसको मैच्योरिटी सिखानी थी ना सिखा दी, अब घर घरस्थी या आपके घर में रहकर ही सीखेगी। ठीक है, तो अपने घर में रखकर महीना दो महीना इसे घर घरस्थी सिखाइए, तब तक सुहेल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। सुहेल का गुस्सा? लेकिन उनको किस बात पे गुस्सा है? उसके बुलाने पर तुम्हें आ जाना चाहिए था, वो परेशान था इसीलिए उसने रहमत को भेजा था, और रहमत दो नस्लों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी जरा सी बात पर कौन गुस्सा करता है शैला? लड़के करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा ना, क्योंकि आपका बेटा नहीं है कि लड़के कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इंसानों की साइकी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन सुहेल के मिजाज को तो मैं समझ ही नहीं पाई। मॉम, आपने कहा था ना ये आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है,
अगर सुहेल ऐसी हरकत आपकी बेटी के साथ करता तो आप बर्दाश्त कर लेती? बेटी समझा है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि इसे थोड़ी सी अकल सिखाएं। अगर बहू समझती ना तो आज कभी भी यहां ना आती। जो हरकत इसने कल की है, कौन सा ससुराल उस पर खामोश रह सकता है? कौन सी हरकत? पर्दे के पीछे से छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। इज्जतदार खानदानी लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं क्या? अगर कोई बात सुननी ही थी तो कमरे में आ जाती, इस तरह छुप छुप कर हमारी कंसुइयां लेने की क्या जरूरत थी? हम सब तो हैरान ही हो गए, और सुहेल कितना शर्मिंदा हुआ इसकी इस हरकत पर। अगर ये बात है तो फिर एक सवाल मेरा भी बनता है शैला, आप लोग ऐसी कौन सी खुफिया बात कर रहे थे जिसको बेदखल करना पड़ा आप लोगों को, और इसको छुपकर आपकी बातें सुननी पड़ी? बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। वजह इसके कि आप इसे सरजनिश करें, आप हमें कह रही? आजरा जाओ अपना बैग लेकर आओ, अब आप लोग अपने घर के मसले खुद ही निपटाएं। लेकिन मॉम। हाजरा जाओ, मैंने कहा। आप बैठे ना। नहीं प्लीज, मैं जरा जल्दी में हूँ, घर में किसी को बता कर नहीं आई हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज हाजरा से कहें कि जरा जल्दी कर ले। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। चीजें पटकने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, जल्दी करो, इंतजार कर रही है वो। मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं थी, आप मेरी साइड लेने के बजाय। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? देख लिया अपनी हरदर्मी का अंजाम? कहा था अपनी सास को हल्का मत लो, लेकिन तुम्हें तो शौक है गरीब लोगों में घुसने का, महापारा को नीचा दिखाने का। ये करना है वो करना है, अब निपटो उनके लेवल की प्रॉब्लम से। लेकिन आप ये कह सकती थी कि मैं यहाँ खुद नहीं रुकी, बल्कि तुमने यहाँ रुकने के लिए कहा था या वो खुद तो मैं यहाँ पर छोड़कर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाजरा। इस बात को अब यहीं खत्म कर दो, और खबरदार जो तुमने सुहेल से इस बारे में कोई बहस की, आइंदा मैं ना सुनूं कि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की। लेकिन मॉम, तुमने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? कल को कह देंगी कि मेरा कोई शौहर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, तुम्हें शौहर के साथ रहना नहीं सिखाया। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? शौहर के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है हाजरा, और तुम्हारे लिए शौहर के बगैर इस घर में कोई जगह नहीं है। मॉम, तुम्हारे डैड के बगैर मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारी है ना, मैं ही जानती हूं। तुम अपना घर खराब करके वापस इस घर में मत आना। हाँ जी। अरे तुम कल कहाँ चले गए थे आप? वो एक जरूरी काम से गया था। डैड आ गए? नहीं। और मॉम? मॉम भाभी को लेने गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे बात हुई, ये कह रही हैं कि वहां से निकल रही हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? भाभी घर नहीं आएंगी वापस क्या? मेरा मतलब है, मैंने रहमत चाचा को भेजा था ना, मॉम को जाने की क्या जरूरत थी? रहमत चाचा को? आपको पता है भाभी मॉम के साथ आने को राजी भी नहीं थी। तो रुकने देती वहीं पर, अगर वो वहां रुकना चाहती थी तो। भाभी मॉम से कह रही थी कि आप उन्हें घर पे ड्रॉप करके चले गए थे बिना कुछ कहे, अंदर भी नहीं गए। हाँ वो एक्चुअली मैं समझा कि वो वहां रुकना चाह रही है तो इसीलिए। तो अगर ऐसी बात है तो आप उनसे पूछ तो सकते थे ना कि अगर वो रुकना चाहती भी हैं या नहीं। मेरी कहा इतनी मजाल कि मैं तुम्हारी भाभी से कोई सवाल कर सकूं, तुम जानते तो उससे की कितनी तेज है वो।
वैसे कमाल है सोहेल भाई, पहले तो आप बड़े माचो मैन बन रहे थे, अब आप अपनी बीवी से डर गए हैं। डरता नहीं हूँ, बस सख्ती नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम तो जानते हो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मर्द अपनी बीवियों से डरते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो कोई गलत बात करती हैं या कोई गलती हो जाती तो आप उन्हें टोक तो सकते ना, जैसे कल। देखो राइद, अगर तुम अपनी भाभी की कोई कंप्लेन करना चाह रहे हो तो मुझसे नहीं, मॉम से जाके करो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं कह सकता। कम ऑन सोहेल भाई, वो आपकी बीवी हैं। आप अम्मी की बहू है, इसे अम्मी इस घर में अपनी मर्जी और खुशी से लाई है। जब मैं इसे कुछ ना कहकर ठीक कर सकता हूं तो कुछ कहकर अम्मी को क्यों दुख दो। जब काम खत्म हो गया है तो रात की फ्लाइट लेकर आ जाएं, सुबह क्यों आएंगे। क्या बात है, बहू से दिल भर गया क्या, वरना तो दो दिन से तुम हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। अब बहू का भी मैं क्या कहूँ आपको। क्या हुआ, कोई बात हुई है। नहीं नहीं, बात कोई नहीं है, नई नई दुल्हन है, अब मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकती ना, बस आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगा, अभी तुम सास होने के मजे तो उठाओ। अम्मी जी, वो भाभी ना अंदर रोते हुए गई है, मैंने पूछा तो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बहू को, क्यों रो रही है। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं है, मैं आपको एक मिनट में कॉल बैक करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बताना क्या है। मॉम आप जानती हैं भाई ने भाभी को आपकी तुम दोनों उन दोनों की टोम में लगे रहना छोड़ सकते हो। जी क्या, जी लगा रखी, एग्जाम्स होने वाले ना तुम्हारे, किताबें खोल लो, कॉलेज नहीं जा रही, कम से कम घर में पढ़ लो थोड़ा सा, हर वक्त भाभी की टोम में लगे रहना जरूरी है। भाई क्या हो गया, क्या किया है तुमने। तुम्हें इतनी फिक्र है ना इसकी, तो भाभी को छोड़कर इस पर तवज्जो दो, पढ़ा दो इसे, वरना फिर डिग्रेड लेकर आ जाएगी। फारिग फिरते रहते हो ना वैसे भी, तो तुम जाओ जाकर बुक्स निकालो। मैंने क्या किया है। तुम्हें जो करना चाहिए ना उसके अलावा तुम सब कुछ करती हो। आइंदा मैं फोन पर बात कर रही हूं ना, खबरदार अगर बीच में बोला तो। जाओ जाकर बुक्स निकालो। मॉम राइट प्लीज, बस जाओ यहां से। लो भला बताओ, जब मेरा पढ़ाई करने का दिल ही नहीं चाहता तो घर में किताबें खोलने से मेरा डी ग्रेड ए तो नहीं बन जाएगा ना। हाँ अगर मैं ये किताबें लेकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाऊं तो बात और, लेकिन कोई ये लॉजिक समझे तो तब ना। हर कोई बस मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाता रहता है, जिसका दिल चाहता है ना बस मेरा मजाक उड़ाता है। अम्मी ने तुम्हें किताबें पढ़ने को कहा है, किताबें सूंघने को नहीं। आपको भी ना मुझे पढ़ाने का कहा है, मेरा मजाक उड़ाने का नहीं। ओ भाई मैंने कब तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूं मापारा। जैसे मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है ना, एक बात आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं भूलती हूं। अच्छा, सिवाय अपने एजुकेशन की है ना, तभी तो तुम्हें दिन रात डांट पड़ती रहती है मॉम से। ओ हेलो, अम्मी जी ने मुझे कोई पढ़ाई की वजह से नहीं डांटा। तो फिर इस घर में किसी को किसी भी बात पर गुस्सा होता है ना, टांग मुझ पर ही आकर टूटती है, सब मुझ पर ही गुस्सा निकालते हैं। अच्छा। हाँ तो फैमिली में सबसे छोटा होना भी ना बहुत खराब बात है, जिसको गुस्सा आता है ना अपनी झुंझलाट मुझ पर उतार देता है। और तो किसी को मेरी कोई कमी नजर आती नहीं है, सब पढ़ाई को इशू बना देते। मुझे एक बात बताओ,
मॉम को किस बात पर गुस्सा है जो वो तुम पर उतारती है? अम्मी जी को। हाँ। ओ हेलो, एक सवाल पूछा है, बताओ तो सही। अब्बू जी का। अब्बू जी का? अब्बू जी का क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं हूँ। हाँ तो एक दिन हो गया अम्मी जी ने अब्बू जी को देखा नहीं है, उन्हें मिस कर रही होंगी ना, उनकी एब्सेंस फील हो रही होगी। यानी कि डैड की एब्सेंस फील करने की वजह से मॉम ने तुमको डांटा? हाँ ना, महबूब की जुदाई इंसान को सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं बल्कि पागल भी बना सकती है। और वो पागल सिर्फ तुम ही बन सकती हो। मैं तो मर भी सकती हूँ। कोई है ना? है ना? देखो झूठ मत बोलना, बता दो बस। देखो तुम्हें उसकी कसम है ना, देखो मैं नाम नहीं पूछूंगा, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, है ना? हाँ, ऐसी लड़कियां भी होती हैं। मॉम ठीक कह रही थी, इनसे कोई भी बहस करना बेकार है। इनके झूठ की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। लेकिन ये कैसे सुकून से सो रहे हैं? क्या इनके पास वजाहत का एक जुमला भी नहीं था? तुम्हारे तो पिछले बहुत से हिसाब निकलते हैं मां पारा, तुमने नया खाता खोलकर अच्छा नहीं किया। बहुत मान है ना मामा को अपनी तरबियत पर, इस मान को नफरत में ना बदला तो मेरा नाम बदल देना। तुम सो क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, बस अजीब सी घुटन हो रही थी तो इसलिए नींद नहीं आ रही। इतनी रात को तुम्हें कौन सी घुटन हो रही है? लाइट बंद करो और चलो सो जाओ। ये रायत आज भी इतनी रात तक क्यों जाग रहा है? कर क्या रहा है ये? जागती आंखों से ख्वाब देख रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हो सकता है नींद में चल रहा वो, किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है ना। तुम तो नींद में नहीं चलती ना, चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अपनी मॉम के घर से खूब नींद पूरी करके आई हो, इसीलिए तो जाग रही हूं। मैंने तुम्हें मिस किया हाजरा, बल्कि तुम्हारी कमी को महसूस किया। मामा बता रही थी कि आप अपने दोस्त की खिदमत में काफी मसरूफ थे। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। इसलिए तो आप मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए। बुलवाया भी तो था, तुम्हें आ जाना चाहिए था। कब बुलवाया था? रहमत चाचा को भेजा था तुम्हें लेने, उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो आए थे, मेरा नाम लिया था, इतना ही काफी था ना हाजरा, तुम्हें आना चाहिए था। लेकिन वो तो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। आप मुझे फोन तो सुबह मेरा अलार्म रिंग ना हो तो मुझे जगा देना। लेकिन कल तो संडे है। एक दोस्त के साथ प्लान है, रात में देर से आऊंगा। और मैं क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। मैं समझा कि तुम्हारी मॉम ने फैसला कर लिया कि वो तुम्हें नहीं भेजेंगी। मुझे पता होता कि मेरी मॉम के साथ ही रवाना कर देंगी तो तुम्हारे लिए भी प्लान कर लेता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लाइट्स ऑफ कर देना।
अरे वाह मापारा, मुझे तो लगा कि तुम आज देर तक सोती रहोगी, लेकिन तुम तो सुबह सुबह ही उठ गई। आप कैसी हैं भाभी? आई मीन कल आपकी तबीयत कुछ? मापारा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रही हैं भाभी? मैं तो बस आपके लिए परेशान हो गई थी, बस इसलिए। आपको क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? माँ पारा, दरअसल मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। मैं उनके पास रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी ने मुझे कॉल करके बुला लिया और कहा कि मेरे बगैर घर घर ही नहीं लग रहा, और तुम्हारा नाम लेकर कहा कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। मैं? हाँ, मैं याद कर रही थी आपको। वही ना, शादी के हंगामों में ढंग से हमारी बात तक ना हो सकी। तुम भी सोचती होगी कि भाभी कितनी रूड है। नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बस मुझे लगा कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। मैं कोई स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बस कभी कभी थक जाती हूँ तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी को कुछ भी कह देती हूँ। लेकिन प्लीज़ तुम बराबर माना करो। एनीवेज तुम बताओ, मुझे तो लगा कि आज तुम पूरे दिन सोती रहोगी, लेकिन तुम तो अभी से जाग गई, क्यों? भाभी जागना तो देर से ही था, लेकिन आज मुझे एक चैप्टर समझना था, बस इसीलिए जल्दी उठ गई। अरे ये तो इंग्लिश एडवांस है ना, मेरे भी यही सब्जेक्ट थे। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आप? भाभी आपकी तो खुद दो बार सप्ली आई थी, आप कैसे समझाएंगी? आपकी दोस्त माहीन बता रही थी। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी तीन बार सप्ली आ जाएगी। रायत, बहुत बुरी बात है। माँ पारा, बेटा तुम जाओ, रायत तुम्हें समझा देगा जो भी समझना हो। हाँ ठीक, और अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो सुहेल से पूछ लेना। जी अम्मी जी। मम्मी जी, मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ते पर आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी जी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? बस तुम्हें एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ और सबके साथ नाश्ता करो। सुहेल तुम्हें इस तरह देखेगा तो क्या सोचेगा भला? सुहेल तो सुबह ही चले गए, उनको अपने दोस्त के पास जाना था। नहीं नहीं, वो तो अपने डैड के साथ है। पापा के साथ? पापा कब आए? वो तो सुबह ही आ गए थे। फिर अब तुम भी आ जाओ, तुम सब मिलकर नाश्ता कर लो। और हाँ, उनके सामने किसी बात का जिक्र मत करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माँ पारा, ये तो पोएट्री की बुक है और मुझे पोएट्री का पी भी नहीं मालूम, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ यार। तो क्या हो गया, अमेरिका से आए, इंग्लिश तो आती है ना? देखो, इंग्लिश बोलने में और शेरो शायरी समझाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो क्या हो गया, आप मुझे पढ़ के सुना दे, मुझे समझ आते। देखो माँ पारा, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेरो शायरी जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। साफ कहना, आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। अरे यार कह तो रहा हूँ ना यार, मुझे नहीं आता ये सब। और देखो, अगर तुम्हें वाकई बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो जाओ सुहेल भाई के पास, वो तुम्हें समझा देंगे सब कुछ। सुहेल भैया, वो पढ़ाते कम है और पूछते ज्यादा है। वैसे एक बात बताओ, मैं नोट कर रहा था आज भाभी के साथ बड़ी बातें कर रही थी तुम। भाभी? वैसे वो इतनी रूड है नहीं जितनी लगती है, अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। दूर रहना उनसे। क्यों, इतने स्वीट तो है वो? ज्यादा स्वीटनेस जो है ना, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों भाई? डायबिटीज हो जाती है यार, मैं कह रहा हूँ ना दूर रहना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप समझाते, वरना मजबूरी में फिर भाभी से जाके समझना पड़ेगा। यार महापारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ये शेरो शायरी नहीं आती। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मुझे सिर्फ पढ़ के सुना दे, मैं समझ लूंगी। इंग्लिश तो आती है ना, सिर्फ पढ़ दे प्लीज। तुम्हें और कितनी जबानें समझ आती है महापारा बीबी?
मुझे तो बस एक ही जबान समझ आती है और मेरे लिए काफी है, उर्दू। वो जबान जो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा लाओ लाओ किताब दो यार, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है अगर तुम पूरा साल अपनी क्लासेस अटेंड करती ना तो आज यहाँ पर ना बैठी होती। यहाँ तो मैं आज भी आपके लिए बैठी हूँ, वरना ये तो मैं खुद भी आपको अच्छे से सिखा दूँ। कुछ कहा तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? इधर आओ बैठो पढ़ो। अच्छा यार कहाँ फंस गए शुरू से, मुसीबत में फंसा दिया तुमने भी। अच्छा जी यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। माशाल्लाह हमारी बहू के आने से घर में रौनक आ गई, लगता ही नहीं कि इसके बगैर भी ये घर था। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता जैसे मैं अपने ही घर में हूं। माशाल्लाह मैंने सुना है कि हमारी बच्ची बहुत पढ़ाकू हो गई है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ डैड, लगता है मॉम का लेक्चर काम आ गया। माँ पारा पे कोई लेक्चर काम नहीं करता, इसे तो सिर्फ मोहब्बत की जबान समझ आती है। क्यों माँ पारा? जी भाभी, लगता है मामा की बात काफी समझ आ गई, इसलिए रात भर छत पर जागने के बावजूद ये अब तक रायत के साथ बैठकर उसके कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अरे तो क्या ये रात भर छत पर थी? एक्चुअली पापा मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, कमरे में कुछ अजीब सी घुटन थी, तो मैंने देखा कि माँ पारा छत से उतर के आउट हाउस की तरफ जा रही है। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है? माँ पारा छत पर हवा थी क्या? नीचे तो बहुत हब्स था। हाँ भाभी छत पे तो बहुत अच्छी हवा थी। बेटा क्या तुम्हारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा जो इतनी हब्स और घुटन थी? नहीं पापा एसी तो काम कर रहा था, लेकिन उसमें उड़ा तो नहीं जा सकता ना, जैसे हवाओं में उड़ते हैं। तो तुम रात भर हवाओं में उड़ रही थी क्या, बताओ ना। वो भाभी एक्सक्यूज मी एक जरूरी कॉल कर ली। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो चाय पियो, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? बहुत अच्छी अब्बू जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी है। अच्छा जी तो अब आप पूछेंगे विनय के कौन आया? तुम्हारे सिवा इस दरवाजे से आता ही कौन है जो मैं पूछूं? क्या बनाया? आलू गोश्त बनाया था, लेकिन आलू डालने से पहले तुम्हारे लिए निकाल लिया है मैंने।
मेरे लिए क्यों निकाल दिया? आपको पता था कि मैं खाना खा कर आती हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब उस घर में बहू आ गई है, मैंने सोचा कि शायद आज तुम। भाभी ने ही रोक लिया था मुझे और अपने हाथों से खाना खिलाया रहा था। दुल्हन बेगम ने? हाँ, भाभी कह रही थी कि अगर तुम खाना खाए बगैर गई ना तो मैं समझूंगी कि मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, क्या अब मना नहीं करेंगी कि वहाँ ना जाओ, ये वो ब्ला ब्ला? जैसे मेरे कहने के इंतजार में तो हो ना तुम कि मैं रोकूं और तुम अपने पाँव रोक दो। अच्छा, इम्तिहान की तैयारी की तुमने? हो रही है। थक गई हो तो चाय बना दो। नहीं अब मैं सोऊंगी, पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है। आज यहाँ घर पे सोगी, एसी में नहीं सोगी? या तुम्हारी भाभी ने खाना खिलाकर घर से निकाल दिया? भाभी मुझे मेरे ही घर से क्यों निकालेंगी, वो तो मैं खुद ही आ गई और अबू जी भी आ गए थे ना। हाँ हाँ, वो तो बेगम साहिबा ने अपनी दूसरा हट के लिए तुम्हें रोक लिया था, और जब साहब आ गए तो फिर उनको तुम्हारी क्या जरूरत? ऐसी बात नहीं है दादी, अम्मी जी तो हमेशा मुझे कहते हैं कि गेस्ट हाउस में एसी चला के सो जाओ। वो तो जब मैं एसी में सोती हूँ ना तो सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, और अब मेरा कॉलेज आना बहुत जरूरी है। और फजर की नमाज के बाद मुझे उठा दिएगा, नमाज के बाद मैं रिवाइज कर लूंगी। एक ही दिन में क्या हो गया इसे? इतनी देर से कहाँ थी? कुछ नहीं, मम्मी और मापारा के साथ बैठी थी। इतनी फनी बातें करती है मापारा कि पूछे ही नहीं, इतने मजे मजे के किस्से होते हैं उसके पास। अब कहाँ है वो? भाई रात भर से जाग रही थी, सुबह से पढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है अब सोने चली गई होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो, और ये कल रात का जिक्र बार बार क्यों कर रही हो? थक गई होगी, और क्या कहना चाहूंगी। देखो आजरा, राहिद मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और माँ पारा उसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। आपकी बात और है, मगर राहिद वो तो बाहर से आया है, हो सकता है कि उसकी सोच बदल गई हो। क्या मतलब है इस बात का? भाई जवान लड़का है, हो सकता है माँ पारा से दोस्ती हो गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हूँ, मेरे भाई पर? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी, और किसी से दोस्ती होना कोई बुरी बात थोड़ी है। एंड दिस फ्रेंडशिप इज वेरी नेसेसरी फॉर माँ पारा एज वेल। तुम्हें जो कहना है ना साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा कर बात नहीं करो। अब देखे ना, जब रायत इस घर में आया था तो उसे माँ पारा एक नजर नहीं पाती थी, और मामा ने बताया कि उसने तो माँ पारा के हाथ का बना हुआ डेजर्ट भी नहीं खाया था। तुम्हें मॉम ने बताया? हाँ, और अगर उनकी नफरत इसी तरह चलती रहती तो मामा को कितना दुख होता। इसके लिए जरूरी है कि माँ पारा और राय दोस्त बन जाएं, जैसे पापा ने, मामा ने और आपने माँ पारा को रखा है, इसी तरह माँ पारा और राय की दोस्ती भी बहुत जरूरी है। लेकिन वाह भाई, मैं तो तुम्हारे क्लास अटेंड करने पर हैरान थी, तुम तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर कर लाई हो। वैसे मुझे नहीं पता था राहिद को अमेरिका में रहकर इंग्लिश पोएट्री पर इतनी कमांड हो जाएगी कि एक दिन में लड़की का नक्शा ही बदल दिया। उन्हें तो हर टॉपिक पर कमांड हासिल है। अच्छा जी, और नहीं तो क्या, वो किसी भी बुक पर एक सरसरी सी नजर भी डाल लेना
तो उसका लव्स लव्स उनकी मेमोरी में समा जाता है। तो उसने तुम्हें ये सब एक नजर देख के सिखा दिया? नहीं, मैंने खुद उनकी नजरों में देखकर सीख लिया। अगर ऐसे ही उनकी आंखों में डूबी रही ना तो सब सीख लोगे सिलेबस में। तुम्हें पता है मैं ओ लेवल तक टॉप कैसे करती आई हूँ? कैसे? उनकी पुरानी किताबों की वजह से। पता है मैं उन किताबों के लव्स लव्स को ये सोचकर देखती थी कि उन्हें रायत की आंखों ने भी देखा होगा। तो सोचो जो उनकी नजरों में देखकर सुनूंगी वो कैसे भूलूंगी। ओह, हैरत है, वो तुम्हें इन बातों से मना नहीं करते? कितने पुराने जमाने की बातें करती हो तुम। मुझे किसी बात से नहीं रोकती। अच्छा, सुबह तो कह रही थी कि हाजरा भाभी से दूर रहने को कहा है। हाँ तो सिर्फ भाभी से दूर रहने के लिए कहा है ना, लेकिन भाभी तो इतनी अच्छी हो गई है फिर पता नहीं क्यों। फिर भी राय तुमसे ज्यादा कर लूंगा, अगर उसने तुम्हें कहा है दूर रहने को तो दूर रह लो। बाय द वे, ये कहाँ से लिखा तुमने? क्या बात है, क्या देख रही हूँ? आटा गूंदो जाकर। जी बाजी, गूंदती हूँ, पहले ये तो देख लूँ। क्या करूँगी इसे देखकर? हाँ बाजी, ये मैं इसलिए सीख रही हूँ, क्या पता मुझे भी बनाना पड़ जाए। मेरे होते हुए ये खाना कभी किसी को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिश मेरा बेटा सिर्फ मेरे हाथ की पसंद करता है। जाओ जाकर अपना काम करो। जी बाजी। शैला, शैला जी, तुम यहाँ मसरूफ हो? भाई बाहर बहू के घर वाले आए हुए हैं। आओ। हाजरा के घर वाले? हाँ। ये रायत कहाँ चला गया? रायत चला गया? हाँ, अभी मैंने देखा है, गाड़ी लेकर गया वो। लेकिन मैं तो उसके लिए लंच बना रही थी, खाना खाए बगैर ही चला गया। अच्छा तुम मेहमानों से मिलो, मैं अभी उसे फोन करता हूँ, पता करता हूँ वो है कहाँ। अब अच्छा नहीं, रहने दें, मुझे पता है कहाँ गया होगा। मेरी बात हो गई है, अभी आ जाएगा। ओके। तो सुहेल घर पर नहीं है? अभी निकला है वो, मैंने फोन किया है, वापस आ रहा है। अगर आपके आने का पता होता तो वो जाता ही ना। एक्चुअली माहिन को पता चला कि कल हाजरा आई थी और उससे मिले बगैर चली गई, तो ये बेचैन हो गई उससे मिलने के लिए, इसलिए अचानक से आना पड़ा। तो अच्छा किया ना, ऐसी क्या बात है? जाहिर है अब शादी के बाद कजन से दोस्ती थोड़ी खत्म हो जाती है। नहीं बस कल मिलके तो गई थी, मुनासिब नहीं लगता कि इतनी जल्दी जल्दी आए हम लोग। क्यों मुनासिब नहीं लगता? खालदा बहन, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने हमें बेटी दी है, हम कोई अलग अलग थोड़ी। हाजरा भाभी कह रही हैं वो नहीं आ सकती, उनके सर में दर्द है, वो आराम करना चाहती हैं। सर में दर्द है? मेरे ख्याल कमरे में आराम करना चाहती होगी। आप जाएं ना, आप जाकर उसे रूम में ही मिल लें। ठीक कह रही हैं आप, वैसे जब भी उसके सर में दर्द होता है ना उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हम उसके कमरे में ही जाकर मिल लेते हैं उससे। जी जी श्योर, आइए प्लीज। आ जाओ। मपारा कह रही थी कि दुल्हन रोती हुई आई है, आज खालदा बहन आ गई, दुल्हन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये क्या चल रहा है घर में? पता नहीं, मुझे भी कल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद दोनों माँ बेटी के दरमियान कोई बात हुई, लेकिन सच कहूँ मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा, उनके आपस का मामला है। अच्छा किया,
नहीं पूछा। हाँ ऐसा ना समझे ना कि हम खामखा मदाखलत कर रहे हैं उनके बीच में। सुहेल क्या कह रहा था कितनी देर में आएगा? मुझे तो यही कहा है कि मैं पहुंच रहा हूँ। यार महापारा तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे भाभी की अम्मी कोई टेररिस्ट हो। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं अस्मा की तरफ चली जाती। मैं कैसे बताता, मुझे तो खुद अभी पता चला घर से फोन आया है। तो आप एक काम करें, आप मुझे अस्मा की तरफ ड्रॉप कर दें। डर रही हो तुम? डर नहीं रही, लेकिन वो भाभी की अम्मी मुझे पसंद नहीं करती ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम घर से गायब हो जाओगी। देखो मुंह छुपाना मसले का हल नहीं होता, तो मेरे साथ चलो उनसे मिलो, मेरे साथ ही वापस आ जाना, सामना करना सीखो तुम। अपनों का कौन सामना करता है? देखो माँ पारा, मैं कहता हूँ कि अपने लिए सामना करना पड़ता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अपने लिए लड़ना भी चाहिए। जैसे आप लड़ते हैं खुद के लिए। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि किसी को तुम्हारे लिए लड़ना ही ना पड़े। देखो सारी बात यह है कि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन होगी ना, फिर कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। और यही मैं चाहता हूँ, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। मैं तुम्हें सुबह से इतने फोन कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही? कल के बाद कुछ कहने और सुनने के लिए बाकी रह गए, मैं क्या बात करूं आपसे? तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, समझने की कोशिश करो मुझे बेटा। क्या समझूं मैं? शैला आंटी के सामने मेरा क्या इमेज बना? आप जाएं और उन्हीं के पास आके बैठे। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हारे फोन ना उठाने की वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी? हालांकि आपको होना नहीं चाहिए था। तुम्हारी फिक्र ना होती ना तो माहिन को मैं कभी यहां ना लाती। इसके बहाने से ये सोचा मैंने कि तुमसे भी मिल लूंगी। माहिन को कहां है वो? अच्छा छोड़ो ना इसे, तुम मुझे ये बताओ कि घर में सब ठीक था ना? मतलब सुहेल का मूड ठीक था और तुम्हारे ससुर का भी? सबका ठीक था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और महापारा, उससे तो कोई बात नहीं हुई? महापारा, उसे रायत को फंसाने से फुर्सत मिले तो कुछ और करे ना। पढ़ाई की आड़ में बंद कमरे में न जाने कौन कौन सी हरकतें होती हैं, क्या बताऊं मैं आपको? जरा तुम्हें पता है ना ये लोग? पता है, इन सब ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तुम क्या बोल रही हो? आप नहीं जानती इस घर में क्या खेल चल रहे, और वो भी मम्मी जी की परमिशन पर। वो खुद कहती हैं, जाओ मां पारा मेरी अमेरिकन बेटी से अंग्रेजी में शायरी सीखो। वो जानती हैं कि इस महीने उनका बेटा वापस अमेरिका चला जाएगा, और वैसे भी मां पारा कहीं और इंगेज्ड है। तुम्हारा शक सही नहीं है? किसने कह दिया आपको कि वो इंगेज्ड है? तुम्हारे वलीमे पे रायद ने तुम्हारी मुमानी को खुद बताई है ये बात, वरना वो तो अकबर के लिए उसे पसंद कर बैठी थी। क्या? और आप अब मुझे ये बात बता रही हैं? बेटा अब तुम आ ही गए हो तो अपनी सास से भी मिल लो। वो कमरे से बाहर आ जाएं फिर मिल लेता हूं। कमरा भी तुम्हारा ही है, कमरे में चले जाओ। हो सकता है उन्हें अपनी बेटी से अकेले में कोई बात करनी हो, मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। ऐसी कोई बात नहीं है सुहेल, तुम गलत समझ रहे हो। खालदा तो यहीं बैठी हुई थी, वो तो हाजरा की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने उनसे कहा कि आप उसे कमरे में जाकर मिल लें। मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी सास के नेगेटिव रिमार्क्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन बेटा ख़त्म करो ना, बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अब देखो हाजरा ने भी तो हमारी खातिर महापारा को एक्सेप्ट कर लिया ना, कितना ख्याल रखती है वो उसका। महापारा नजर नहीं आई आज, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो आ गई मेरी बेटी, आज तो सुबह ये खुद तैयार होकर आई थी कॉलेज के लिए। वैसे अम्मी घर के सारे ड्राइवर्स निकाल दिए क्या जो रायत को पिक एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है? अरे
सोहेल भाई, घर वालों को घर लाना ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं होती, एंड एज अ फैमिली मेंबर महापारा डिसर्व करती है कि मैं उसे खुद इज्जत से लेकर आऊं। आई मीन अगर मेरे पास वक्त है तो क्यों नहीं। एनीवेज एक्सक्यूज मी। ठीक कह रहा है राइट, और वैसे भी महापारा रायत के साथ बहुत सिक्योर फील करती है, क्यों महापारा? तुम्हारी मॉम अगर कमरे से बाहर आ गई तो मिलने। तुम भी आ जाओ महापारा, मॉम तुम्हारा भी पूछ रही हैं। आप चले भाभी, मैं चेंज करके आती हूँ। Excuse me? अरे क्या बात है आप, what a surprise, Maheen in the house, है? Where were you? Where was I? भाई ये छोड़े कि where was I, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कैसे? आपने तो मुझे invite नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। अच्छा, यानी मुझे invite करना था? जी बिल्कुल invite करना था, लेकिन देख ले, मेरी किस्मत में यहाँ आना था तो मैं खुद ही आ गई। इंटरेस्टिंग, ओके आई सी। एनीवेज ऑन दैट नोट हम चलते हैं, सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। बाहर भी चले जाएंगे, अभी आपके कमरे को तो ठीक से देख लूं मैं, बहुत खूबसूरत है। और ये पिक्चर बहुत खूबसूरत है, नहीं तो नजर ही नहीं हट रही इससे। यू लाइक इट? या इट्स अमेजिंग, सो टेक इट, इट्स योर्स। लेकिन क्यों? अरे क्यों नहीं, आपने अभी बोला है कि आपको ये पसंद है तो फिर इसे ले जाए, देखते रहिएगा। एंड ऑन दैट नोट अब हम चलते हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों है राज? इस कमरे में और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने को। अच्छा तो दैट नोट फिर सब ले जाए आप। वैसे इन सब चीजों से अच्छे तो आप हैं राय। Really? So that's really sweet of you. फिर एक काम करते ना, आप आए ना जरा मेरे साथ, मैं आपको अपनी फोटोग्राफी दिखाता हूँ। अगर आप मेरे सामने हैं तो फिर मुझे कुछ और देखने की क्या जरूरत है? माहीन, तुम क्या कर रही हो यार? चलो सब खाने पे वेट कर रहे हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग स्टार्ट करो। अच्छा तो राय मेरी बात सुनो यार, देखो पता है हम चलते हैं खाना खाते, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, एंड आई गारंटी यू मजे का खाना बना होगा। अरे चलो तो सही, आओ ना, आओ। चलो अब कम। शैला भाई ये दो ना, आप ये ट्राई करें, ये मेरी बेगम की स्पेशलिटी, बहुत जबरदस्त। वैसे आप लोग ने ना बहुत तकलीफ की, बस हम तो माहिन की जिद की वजह से मिलने चले आए। देखा माहिन, इतना तकल्लुफ करना पड़ा इन लोगों को हमारी वजह से। नहीं आंटी, माहिन की वजह से हमें कोई तकल्लुफ नहीं करना पड़ा, ये सब तो हमारा रोज का मेन्यू है। मतलब अगर हम लोग खाने पे ना रुकते तो इतनी सारी डिशेस का क्या करते आप लोग? माहीन, हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं, हमारे घर का खाना कभी जाया नहीं होता। तो आप ये सारा खाना मुलाजिमों को दे देंगे? जाहिर सी बात है, अब हम आपके घर पे फोन करके ये तो नहीं कहते ना कि आपके लिए जो हमने एहतमाम किया था वो जाया हो गया। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। हाँ माहीन प्लीज खाना खाओ, मैं बस ये कह रहा था कि अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और ये सब तो हमारा रोज़ का इंतज़ाम है। अगर किसी दिन एक्सपेक्टेड गेस्ट नहीं भी आता तो हम उसे फ़ोन करके ये नहीं कहते कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, बजाय इसके हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। माँ पारा तुम वहाँ क्यों खड़ी? आओ आओ बैठो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो कब से तुम्हारा पूछ रही थी। आओ बेटा खाना खाओ, आ जाओ। जी और बेस की शादी का क्या सोचा आपने, कब तक करेंगी? अरे अभी तो पढ़ रही है, अभी कहाँ से शादी। वैसे मापारा तुम्हारा फियांसी क्या करता है? फियांसे?